मेरे प्यारे दोस्त, मैं अविनाश और आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स की क्लासेस में हैं। ये क्लासेस इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस की है और इस क्लासेस में जो पार्ट हमारा चल रहा है वो सिलेक्शंस ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस पे चल रहा है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेट कॉस 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आता है कि यस, इसमें हमें क्या लेट करके इंटीग्रेट करना है, प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएं। जिसका कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स दिया हो और अगर उसका एंगल जैसे कि साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, बट उसकी जगह 1/x है, तो डायरेक्टली आप 1/x को लेट करके प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर जो लेट करने वाला है वो है जेड, जेड इज इक्वल टू 1/x। नाउ जेड इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1, और जब जेड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जो पावर होता है वो आगे मल्टीपल हो जाता है और इसका पावर एक और माइनस हो जाता है, तो वो -2 हो गया। यहाँ से dz अपॉन जो dx की वैल्यूज हो गई वो -1/x² आपको मिला। सो फर्दर जो dx की एक वैल्यूज होती है, उस dx की वैल्यूज को आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, -x² इंटू dz, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। और ये जो टर्म्स हमने लेट किया इसका फर्दर आगे यूज होगा। सो अगेन आ जाते हैं जो आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशंस कॉस 1/x की जो वैल्यूज है वो हम z लेंगे अपॉन x² और dx की जो वैल्यूज हमने लेट कर रखी है वो पुटअप कर लेते हैं इंटू dz, जिससे ये टर्म्स कैंसिल हो गया। फर्दर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड इंटू डी जेड। नाउ आई इज इक्वल टू कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन जेड, और फर्दर आप जेड की वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कर लीजिए, -sin 1/x प्लस सी, जो आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से बाय सब्स्टिट्यूशंस आपने इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में और आराम से आपने कर लिया कॉन्सेप्ट।